हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है कि हमारी जो तुलसी सूख जाती है, ख़राब हो जाती है, तो उसको कैसे रिपेयर करें, पहले की तरह हरा भरा करें। तो मैं तीन चीज़ें बताने वाली हूँ, तो आप ये पूरा वीडियो देखें। मैं लास्ट तक सारी चीज़ें मैं आपको बताती रहूँगी तुलसी के बारे में, जिससे आपकी तुलसी जो है वो पहले की तरह घनी हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप गमले की मिट्टी में अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए, जिससे मिट्टी के अंदर जड़ों को अच्छे से एयर मिलते रहे। चारों तरफ अच्छे से गुड़ाई कर लेना है। गुड़ाई करने के बाद अब मैं यहाँ कंपोस्ट ले रही हूँ। कोई भी आप कंपोस्ट ले सकते हैं, गोबर की खाद हो या वर्मी कंपोस्ट हो। वर्मी कंपोस्ट का भी मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं कि घर पर आप किचन के कचरे से कैसे बना सकते हैं कंपोस्ट। डालने के बाद अच्छे से मिट्टी के साथ इसे मिक्स कर लें। देखिए मेरी तुलसी कितनी ख़राब हो चुकी है। अब मैं पानी डाल रही हूँ। पानी आपको ज़्यादा नहीं डालना है। तुलसी का जो ख़राब होने का एक और भी कारण है कि ज़्यादा पानी इसमें ओवर वाटरिंग हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी जड़ें हैं वो ख़राब हो जाती हैं। और बरसात के समय तो तुलसी जो है वो ख़राब हो जाती है पानी की वजह से। तो ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालना है, बस मिट्टी मॉइस्चर बना रहे उतना ही पानी डालना है और इसे 3 से 4 घंटे के लिए डायरेक्ट सनलाइट में रखना है। ये देखिए मेरा 20 दिन के बाद का रिजल्ट है। मैं बीच का आपके साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ। अभी देखिए साइड साइड में छोटी छोटी निकल रही हैं पत्तियाँ, और जो मेरी तुलसी है वो कितनी हरी भरी हो गई है। और 10-10 दिन पर इसमें पेस्टिसाइड स्प्रे भी करना है। घर पर मैं बना के डालती हूँ, वो भी उसका भी वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।